हेलो एवरीवन, देखिए मैंने पोहा बनाया है। पोहा मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। यहाँ पोहे की रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। लाइट बिल्कुल मैंने पोहा बनाया है और कोई ज़्यादा ऑयल का यूज़ या घी का यूज़ नहीं किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ एक स्पून घी लिया है, उसी में मैं अपनी ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर जब घी गर्म हो गया है तो मैंने 4 से 5 काजू को कट कर लिया और उनको ड्राई मतलब उनको रोस्ट कर लूँगी। फिर उसी के साथ मैं इसमें राई और राई के साथ मैंने ड्राई करी पत्ता लीव्स को रखा हुआ है घर पे, तो वही उसको यूज़ किया है। हाफ़ से भी ज़्यादा का अनियन कट किया हुआ है, तो सबको रोस्ट कर लूँगी। सबको रोस्ट करने के बाद मैं इसमें यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, उसको भी मिक्स कर लूँगी। जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैंने चिली को कट किया हुआ है, चिली डाल दिया। अभी किशमिश डालूंगी, किशमिश को भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पोहा मैंने वॉश करके 15 मिनट पहले रख दिया था। अभी पोहा मेरा मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। 1 टेबल स्पून मैंने 1 स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला। हल्दी को मैंने डालने के बाद उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको चलाया है। अभी देखिए कितना खिला खिला पोहा बनकर रेडी है मेरा। ब्रेकफास्ट में आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, फैमिली में सबको खिलाइए, आए हो सबको अच्छा लगेगा। वो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था जिसमें मैंने अनियन डाला था। मेरे को हल्का मीठा पोहे में अच्छा लगता है, तो मैं मीठा नहीं खाती, तो मैंने पोहे में अपना बनाना कट करके डाल लिया है, जिससे मेरा टेस्ट अच्छा हो जाता है और मेरे को अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, खाइए।